जम्मू कश्मीर में डीजी जेल हेमंत लोहिया की मौत बनी मिस्ट्री, संदिग्ध हालात में मिला शव, शुरुआती जांच में हत्या की आशंका। डीजी जेल के घरेलू नौकर पर हत्या का शक, नौकर मौके से फरार, तलाश में जुटी पुलिस। फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पूरे मामले की जांच हुई तेज। मेरठ में दीपक त्यागी की हत्या की गुत्थी सुलझी, मुस्लिम समुदाय की शादीशुदा महिला से अवैध संबंधों की वजह से हुआ कत्ल। महिला के पिता ने आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद दोनों को अलग रहने की चेतावनी दी थी, नहीं मानने के बाद दीपक की हत्या कर दी। घटना के खुलासे को दीपक के घर वाले सही नहीं मान रहे, विरोध में सड़क पर जाम लगाकर बैठे। पुलिस ने लड़की के पिता और उसके साथी को किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल की गई तलवार बरामद की, पूरे इलाके में कोहराम मचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन, सुबह 9:30 बजे माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे अमित शाह। वैष्णो देवी के बाद राजौरी जाएंगे अमित शाह, सुबह 11 बजे एक जनसभा को करेंगे संबोधित। राजौरी की जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं पहाड़ी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब की मान्यता का ऐलान, पहाड़ी समुदाय को मिलेगी एसटी आरक्षण की सुविधा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नवमी की पूजा करेंगे, गोरखपुर में करेंगे कन्या पूजन। सीएम योगी विजयदशमी की शोभा यात्रा में भी लेंगे हिस्सा, शाम 4 बजे मानसरोवर से रामलीला मैदान तक जाएगी यात्रा। पीएम मोदी का दशहरे के मौके पर कल हिमाचल प्रदेश का दौरा, कुल्लू दशहरा फेस्टिवल में करेंगे शिरकत, उत्सव की तैयारियों जोरों पर है। पीएम मोदी बिलासपुर में नए एम्स का करेंगे उद्घाटन, रैली को भी संबोधित करेंगे पीएम। सोनिया गांधी का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना तय, कर्नाटक के मांड्या में 6 अक्टूबर को मार्च करेंगे। दशहरे की वजह से 4 और 5 अक्टूबर को रोकी गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, 6 अक्टूबर से राहुल गांधी फिर शुरू करेंगे यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के 26वें दिन मैसूर पहुंचे राहुल गांधी, सुतूर मठ में जाकर संत शिवरात्रि दिशिकेंद्र स्वामी जी से मुलाकात की। राहुल गांधी मैसूर में मठ के साथ सेंट फिलोमेना चर्च और मस्जिद ए आजम भी गए, शेयर की तीनों जगह की तस्वीर। राजस्थान की सत्ता में आरोपों का सिलसिला जारी है, पायलट कैंप के विधायक ने पार्टी आलाकमान से अशोक गहलोत की शिकायत। सूत्रों के हवाले से खबर, पायलट कैंप ने एडवाइजरी जारी होने के 60 घंटे के अंदर गहलोत पर बयानबाजी का लगाया आरोप, गहलोत के वीडियो के साथ शिकायत की। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवम्बर को उपचुनाव होंगे, 6 नवम्बर को आएंगे नतीजे। बिहार की 2 सीट मोकामा और गोपालगंज में होगा उपचुनाव, महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व और हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव। यूपी की गोला गोकर्णनाथ, तेलंगाना की मुनुगोडा और ओडिशा के धामपुर विधानसभा सीट पर भी होगा उपचुनाव, नामांकन की तारीख 14 अक्टूबर। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने बनाया अपना नेशनल आइकन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने किया ऐलान। ज्ञानवापी मस्जिद में उर्स पर चादर चढ़ाने की मांग, कोर्ट में याचिका पर सुनवाई, अब 17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। नवरात्रि का आज 9वां दिन, देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए सुबह से मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की कतार। सूरत में महाअष्टमी के मौके पर 30,000 से ज्यादा दीयों के साथ की गई महाआरती, शानदार नजारा दिखा। मुंबई के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे रणबीर कपूर, सफेद जवाहर जैकेट में आए रणबीर के फैंस ने किया पसंद। रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र की पूरी टीम दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची, सबने मां का आशीर्वाद लिया। दुर्गा पूजा पंडाल में जया बच्चन से मिली काजोल, जया से मास्क उतारने के लिए कहती काजोल का वीडियो हुआ वायरल। मणिरत्नम की पोन्नियन सेल्वन का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, पहले वीकेंड में वर्ल्ड वाइड की 200 करोड़ की कमाई। सैफ ऋतिक की विक्रम वेधा ने पहले वीकेंड में करीब 37 करोड़ की कमाई की, तीसरे दिन देश भर में की 14 करोड़ 75 लाख की कमाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।